क्योंकि देखिए हाई कोर्ट की तरफ से तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज करके ये बता दिया गया है कि 1991 के तहत इबादत नहीं है। अब आगे अगर हिंदू पक्ष की स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो क्या होगी? देखिए, हिंदू पक्ष की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कमिश्नर सर्वे का कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था शाही ईदगाह परिसर कृष्ण जन्मभूमि का, उसको चैलेंज करेंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस परिसर का सर्वे नहीं होगा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के आदेश के बाद हिंदू पक्ष का जो मनोबल है वो एक तरह से कह सकते हैं बढ़ा हुआ है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, क्या आदेश है, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे स्टे लगाया है उसको वेकेट करने की हम मांग करेंगे, क्योंकि शाही ईदगाह मस्जिद की बेसिक दलील यही थी कि एडवोकेट कमीशन का सर्वे इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश नहीं दे सकती थी क्योंकि 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुई थी। आज 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी है और इसके बाद अब हम ये मांग करेंगे कि वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हो। बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो ये चीख चीख के बता रहे हैं कि शाही ईदगाह मंदिर का जो मस्जिद का पूरा परिसर है वो एक हिंदू मंदिर का परिसर है और वहां पे एडवोकेट कमीशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो स्टे वेकेशन की मांग है वो हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। साथ ही साथ आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला पारित किया उसके खिलाफ हम कैविएट भी दाखिल रखेंगे। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके पास तो ये विकल्प है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम उनका वहां पे स्वागत करेंगे और अपने लीगल तर्क सुप्रीम कोर्ट सामने रखेंगे। जो तमाम एक्ट थे जिनका हवाला लगातार मुस्लिम पक्ष के तरफ से दिया जा रहा था, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट है, वक्फ एक्ट है, तमाम ऐसे 4-5 एक्ट आपने बताए, उनका क्या हुआ, हाईकोर्ट ने क्या कहा उन एक्ट पर? ये हमारा बेसिक कंटेंशन यही था और वही ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होल्ड किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर एसरटेन करने की इजाजत देता है। साथ ही साथ वफ एक्ट जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन पे अप्लाई नहीं होता है क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो बहुत पहले का है और उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स आ चुके हैं 1979 के और 2010 के, जिसमें ये बात होल्ड की गई है कि वफ एक्ट नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके आधार पे आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया है। जैन व्यापी मामले में इसी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, सेम एक तरह से कह सकते हैं वही पूरा मामला यहाँ पर। अब अगर हर एक पक्ष की स्ट्रेटेजी वैसी ही है केस को बाधित करने की, तो हमारे तर्क भी उसी आधार पर रिसर्च पे बेस्ड रहते हैं। केस के फैक्ट्स बदलते हैं पर जो लॉ पॉइंट्स हैं वो तो सेम रहते हैं। ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो चुनौती दी गई थी, अब वो चुनौती मामले की जो पोषणीयता को लेकर के वो समाप्त हो गई। अब आगे हाईकोर्ट का क्या, चूंकि जो 12 अगस्त को अगली तारीख लगी है और इस केस का ट्रायल आगे बढ़ेगा। ओरिजिनल ट्रायल है जो 18 याचिकाएं आई हैं मथुरा से ट्रांसफर होकर, उस पर ट्रायल शुरू? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो लगता है कि जल्दी तय हो जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द तय कराएं, लोगों की आस्था और अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है और हम उसकी एक न्यायालयीन लड़ाई न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें पूरी कोशिश है कि हमें न्याय मिलेगा और वहां पे जो गलत ढंग से कब्जा किया गया है हमारे ईश्वर हमारे आराध्य की भूमि पे उसको मुक्त करा पाएंगे। अयोध्या की तर्ज पर पूरा मामला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, काफी फैक्ट्स, मतलब देखिए अयोध्या तो एक हम सारे लोगों के लिए एक दर्शन है जिस तरह से इस तरह की लिटिगेशन को लड़ा जा सकता है। और जो पराशरन साहब ने जितनी लीगल टीम थी जो उन्होंने उनके दिशा निर्देश हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो विष्णु शंकर जैन है इस मामले में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनका कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट जिसका हवाला दिया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार वो जो रिलीजियस कैरेक्टर है। और यहाँ पर ये कि देखिए यहाँ पर तमाम कोर्ट इन्वॉल्व हो गए हैं, हाई कोर्ट ने जैसे कि पोषणीयता को लेकर फैसला सुना दिया है, कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिला कोर्ट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। कहाँ पर क्या मामला चल रहा है, आगे आगे की लड़ाई कहाँ कहाँ किस दिशा में बढ़ रही है? जी देखिये, पूरी लड़ाई जो है वो मथुरा जिला न्यायालय से शुरू हुई थी, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो हिंदू पक्ष है उसके अनुरोध पर जो सारे मामले जो ओरिजिनल ट्रायल होते हैं जो मूल वाद होता है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया था, जिसमें 18 याचिकाएं हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट उन पर 12 अगस्त से सुनवाई करने जा रहा है और इन्हीं 12 याचिकाओं को लेकर के मुस्लिम पक्ष 18 याचिकाओं को लेकर माफ करिएगा ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति की गई कि ये मामला सुनने भूमि की तरफ से जो सूट फाइल हुआ है वो किसी प्रावधानों से बाढ़ नहीं है, चलने लायक है और आगे चलेगा। अब आगे नेक्स्ट डेट इसमें लगाई है चाहे 14 अगस्त की, इसमें फैक्टिंग इशू वो बनेंगे। इसमें इम्पैक्ट ये पड़ेगा, बड़ा हर्ष का विषय है हिंदू पक्ष के लिए कि 350 साल से जो डिस्प्यूट था इस मंदिर पे वो लगभग अब सॉल्व हुआ है। प्राइम फेसिस डिक्लेयर किया है कि ये चलने लायक सूट है और मेंटेबिलिटी सुना जा सकता है सूट,
तो जो भी पक्ष विपक्षी पक्ष है ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट जाके एसएलपी फाइल करेगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट। आप लोग की तरफ से कोई कैविएट दाखिल किया जी? हमने कैविएट फाइल हो जाएगी अभी एक घंटे बाद। जी जी जी, कैविएट फाइल। सर्वे की प्रक्रिया मान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अभी स्टे है, उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद आगे उसमें परस्यू करेंगे हम लोग भी। जी विनय शर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट, एडवोकेट फॉर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट। चलिए ठीक है मानवेंद्र, बात पूरी कीजिए आपने। कोर्ट नंबर 71 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब की कोर्ट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो मुस्लिम पक्ष ने जो साहिदगाह मसाजिद कमेटी की तरफ से जो डाला गया था ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत कि जो हिंदू पक्ष का सारे जो सूट हैं वो बार्ड बाय द लॉ हैं, मतलब कि लॉ के अनुसार वो चलने योग्य नहीं है। उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सीपीसी से लेके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सारी बात करी थी उन्होंने अपने प्लीडिंग में। तो बहरहाल आज ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस पे रोक रेस्ट करते हुए उस मामले को उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और हिंदू पक्ष के एप्लीकेशन को कहा कि ठीक है अब ये आगे बढ़ेगा, मेंटेनेबल है और 12 अगस्त के बाद इसमें इशू फ्रेम होगा जो कि आमतौर पर सिविल सूट में इशू फ्रेम होता है। तो बहरहाल ये अपने आप में बहुत ही बड़ी न्यूज है और बहुत ही चारों तरफ हिंदू पक्ष को बहुत दिनों के बाद खुशी की बात है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट आगे क्या जाएगा लोगों में या आगे क्या होगा? मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट में रुख करेगा। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएंगे ही और जाना भी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, संविधान है, कोटे हैं, तो वो जाएंगे ही। लेकिन ये वो बस समय कंज्यूम होगा, वो बस समय को बर्बाद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। लीगली इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है और हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कैविएट मूव करेंगे और हम निश्चित तौर पे इसका अपोज करेंगे इनके एप्लीकेशन का और वहां भी इनका खारिज हो जाएगा। बहरहाल तो मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे इस आदेश पे स्टे लगाने वाली है। वो क्या पॉइंट रख सकते हैं? देखिए उनके पास ऑर्डर 23 जो सीपीसी का रूल है उसको लेके है, उनका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को लेके है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कह रहे हैं कि बाढ़ है। देखिए जब वो जो जगह है ना, भगवान आइडल देवता है वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहां पे, आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले और आप कहें कि हाँ हमारा हो गया और भगवान वहां नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डायटी ऑलवेज ए डायटी, तो वो भगवान है, उनको वहां से ये तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं अपनी रूलिंग में अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद हो चाहे तमाम जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस इसमें कहा है। हाँ, तो जब भगवान है, भगवान के आप एक मस्जिद का स्ट्रक्चर बना के नहीं हटा सकते, वो जुरिस्टिक पर्सन है, वो वहां रहेंगे। वंस अ डायटी ऑलवेज अ डायटी, आप वहां पे गुम्बद बना लीजिए, ये कर लीजिए, वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। जिस तरह से आपके लिए काबा का महत्व है उसी तरीके से हमारे लिए काशी में भगवान शिव है, वहां भगवान कृष्ण का, तो इसी निश्चित तौर पे हमारे दावे मजबूत हैं लीगली भी मोरली भी हर तरह से। सर्वे की प्रक्रिया कब तक शुरू हो सकती है? ये तो देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, वहां पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो कि मुस्लिम पक्ष गया था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ, तो वहां भी सब जुडिस है, तो उसके जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नॉड नहीं मिलेगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकेगा। वहां प्रोसीडिंग हम लोग की तरफ से आर्ग्यू होगा तो हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है और सर्वे होनी चाहिए। और आज की तो बड़ी जीत है ही है, बस 2-3 मिनट का जजमेंट प्रोनाउंसमेंट रहा और उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जज साहब ने कि 12 के बाद हम इशू फ्रेम करेंगे, दैट्स अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। जी मैं तो देखिए आप क्योंकि हिंदू पक्ष अब ऐतिहासिक फैसला आया है, इतिहास रचने वाला फैसला आया है। 355 साल बाद सनातन धर्म की जीत हुई है। मेरे संतों ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी थी, मेरे पूज्य पूर्वजों ने कैसे लड़ाई लड़ी थी, यह दिन हमें देखने को मिला है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7/11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए उनके साथ उनसे साक्ष मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहां फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया,
किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया और तमाम चीजें मां पूजा हमने करके साबित कर दिया यह संपत्ति हिंदुओं की है। अब वक्त आ गया है कि जल्द ही सुनवाई होगी, टंकी बनेगी और केस के बाद यह ढांचा हटेगा। यह मंदिर हमारा है, यह मेरे कान्हा का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। अब हिंदुओं को चाहिए कि मटकी लाए और दूध बिलोए और मक्खन मेरे कान्हा को खिलाए। ऐसा दिन आ गया है, आज तो खुशी का दिन है। अब सर्वे होगा तरीके से, नियम से।